17वीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान करवाने को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। सोमवार को उत्तरकाशी से 18 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, वहीं मंगलवार को 89 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। इन पोलिंग पार्टियों के बूथ पुरोला के सुदूरवर्ती इलाके थे। ये बूथ जिला मुख्यालय से दूर होने के कारण काफी दुर्गम भी है, इसीलिए यहां पहुंचने के लिए पैदल दूरी भी नापनी होगी। पुरोला विधानसभा में 53 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया, वहीं 10 अप्रैल को यहां पर 110 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जबकि यमुनोत्री विधानसभा में 14 पार्टियों को रवाना किया गया। ये पोलिंग पार्टियां डबरकोट से आगे यानी कि स्याना चट्टी से जानकी चट्टी तक के बूथों वाली हैं। इस बार डबरकोट के भूस्खलन की आशंका को देखते हुए मंगलवार को ही इन पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। तीनों बूथों की वो हम लोग भेज रहे हैं और 9 तारीख के दिन के जो अभी पार्टी मूवमेंट है वो प्रारंभ हो चुका है, पार्टियां आ गई हैं, इलेक्शन चल रहा है और साथ अभी दूरस्थ पार्टियां जो भी हैं वो एक सिंगल गाड़ी पे जा रही हैं और जो पास की गाड़ियां हैं पास की जो पार्टीज हैं वो भी एक साथ भेज रहे हैं। हमारी 18 पोलिंग पार्टियाँ कल जा चुकी हैं, इसके अलावा आज और कल में पूरी पोलिंग पार्टियाँ चली जाएंगी। उसके अतिरिक्त हमने थाने में हर थाना क्षेत्र में रिजर्व में पैरामिलिट्री रखी हुई है, जो हमारी SST और फ्लाइंग स्क्वाड टीम है हमने पर्याप्त मात्रा में फोर्स रखी है। SST में एक एक सेक्शन हमारे द्वारा पैरामिलिट्री को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय में पर्याप्त संख्या में एक रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा जो संभावित क्षेत्र हैं जहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डाबरकोट में हमने SDRF की एक अलग से टीम गठित की है जिसमें 4 कांस्टेबल और 1 SCP रहेंगे। संवाद 365 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट उत्तरकाशी।